वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी विल डू अ प्रैक्टिकल ऑफ चैप्टर 3 टेबल्स हाइपरलिंक्स एंड फॉर्म्स इन HTML, राइट। तो चैप्टर 3 में जो हम लोगों ने हाइपरलिंक्स टेबल्स एंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था HTML प्रोग्राम के अंदर, कि टेबल कैसे क्रिएट होते हैं, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं, तो इसका अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि इसको टेबल कैसे इसमें क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो किसी भी HTML को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। तो टेक्स्ट एडिटर में हम लोग नोटपैड का यूज करते हैं, ठीक है। तो नोटपैड जो है आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको खोल लेंगे और ये फाइल सेव्ड है। यहाँ से कोई एक नया फाइल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो है ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे जो है प्रोग्राम को HTML का जो प्रोग्राम है उसको हमें टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम जो पेज नंबर 34 पे आपका दिया हुआ है टेबल का, उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो टैग होता है, सबसे पहले तो हम लोग नोटपैड खोले हैं, ये ध्यान रखना है, और नोटपैड के अंदर प्रोग्राम को टाइप करना है, ठीक है। तो उसके जितने भी सिंटैक्स हैं प्रोग्राम के टेबल वाले, वो इसमें हम लोग डालेंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है HTML टैग का। HTML ये HTML प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। अब ये टैग जो है, ये टैग जो आप देख रहे हैं, ये HTML, और ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आप प्रोग्राम HTML का स्टार्ट हो गया। ये जो एलिमेंट है प्रोग्राम को स्टार्ट करने का एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी ये जो टैग है, टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML। ओके, इसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट जो होता है वो होता है हेड। क्या होता है हेड? HEAD, हेड, राइट। इसको फिर क्लोज करेंगे। हेड के बाद आता है टाइटल, इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे TITLE, टाइटल, ठीक है। और इसको फिर हम लोग क्लोज करेंगे और टाइटल में हम लोग दे देते हैं माई वेब पेज, माई वेब पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइटल को फिर हम लोग क्लोज कर देंगे क्योंकि टाइटल में अब कुछ लिखना नहीं है, तो इसलिए टाइटल को यहीं पे क्लोज कर देंगे TITLE, ठीक है। टाइटल क्लोज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी, है ना। क्या है बॉडी? और HTML के जो भी कंटेंट होते हैं, जो वेब पेज पे डिस्प्ले किए जाते हैं, वो बॉडी के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो टाइटल के बाद जो है और सबसे इम्पोर्टेंट टैग है वो आपका बॉडी, BODY। अब इस बॉडी के अंदर ही जो कुछ भी होगा वो सब इस बॉडी के अंदर ही होगा, चाहे टेबल बनाना हो, आपको फॉर्म बनाना हो, या फिर आपको हाइपरलिंक बनाना हो, जो कुछ भी होगा वो सब बॉडी के अंदर ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेबल बनाना है, तो हम लोग टेबल लेंगे। क्या लेंगे?
और TABLE टेबल, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहे हैं, नहीं तो इस पेज में आपको फिर दिखेगा नहीं। और 28 पे लेके देखें, चलिए इतना में भी दिख ही रहा है, ठीक है। तो टेबल ले लेंगे। अब देखिए टेबल को हम लोग यहाँ पे बंद किए। अब हम लोग फर्स्ट टेबल का रॉ बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट्स का यूज करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ। तो फर्स्ट रॉ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, TR, क्या लेंगे, TR। TR टैग, ये जो अभी हमने टाइप किया है इसका मतलब हुआ टेबल रॉ, ठीक है। टेबल रॉ ये जो है टेबल में एक नया रॉ जो है वो इंसर्ट करेगा, है ना। चलिए अब इस रॉ के अंदर हमें, यानी ये जो लाइन बनाया है हमने, उस लाइन के अंदर क्या क्या लिखना है, यानी उसमें क्या क्या हेडिंग देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हेडिंग देंगे, इसके नीचे आ जाइए और इसमें लिखेंगे फिर TH, राइट। पहला हेडिंग जो होगा वो होगा आपका, और आपको याद होगा हमने बताया था मीटिंग, MEETING, मीटिंग। फिर इसको बंद करेंगे टेबल हेडिंग को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा हेडिंग लेंगे, ठीक है, फिर लेंगे TH, फिर इसको बंद करेंगे। और उसके बाद क्या था, मीटिंग के बाद डेज, DAYS, डेज। फिर यहाँ पे इस हेडिंग को क्लोज करेंगे TH, राइट। फिर थर्ड हेडिंग लेंगे TH, ठीक है, मीटिंग डेज। एंड नेक्स्ट था आपका टाइम, TIME, टाइम, राइट। फिर इसको हेडिंग को क्लोज करते हैं, ओके, इसको बंद करते हैं। अब देखिए कि ये एक लाइन हो गया, एक लाइन में जो है ये आपका मीटिंग डेज एंड टाइम रहेगा। अब हम लोग फिर दूसरा लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी इस TR को अब क्लोज करते हैं, यानी फर्स्ट रॉ को क्लोज करते हैं और दूसरा रॉ स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग लेंगे TR, यानी पहला वाला लाइन बंद हो गया, अब दूसरा लाइन चालू होगा। फिर इसी तरह इसमें भी हम लोग लेंगे क्या चीज, टेबल हेडिंग यानी TH, ओके। और फिर इसको बंद करेंगे और उसके मीटिंग के नीचे जो था क्या लिखा हुआ था, मॉर्निंग। तो पहला हेडिंग होगा MORNING, मॉर्निंग। और यहाँ पे फिर हम लोग टेबल हेडिंग को बंद करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट था दूसरा टेबल हेडिंग, TH लेंगे। मॉर्निंग के बाद क्या था, डेज है, डेज के नीचे क्या लिखना था, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, राइट। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे MON, मंडे, और WED, वेडनेसडे, और FRI, फ्राइडे, सॉरी ये टेबल डाटा होगा, हेडिंग तो हमने दे दिया, हेडिंग तो मोटा होता है। और यहाँ पे क्या करना था, ये TD लेना था, TD, है ना। और यहाँ भी TD करेंगे, ओके, यहाँ भी TD करेंगे, ओके। अब यहाँ पे TD को TD, T और D, टेबल डाटा, ये हो गया क्लोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो था वो है टेबल डाटा, और उसके बाद नाइन एम था, टाइम है, टाइम के नीचे हम लोग क्या लेंगे, 9 AM, AM,
TDD, राइट, इसको क्लोज करेंगे। फिर आप देखिए इसके नीचे भी था एक और, फिर इस लाइन को हम लोग क्लोज करेंगे, फिर यहाँ लेंगे TR क्लोज करेंगे, ओके इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग नया और TR यानी नया लाइन लेंगे टेबल रॉ, फिर इसके नीचे लिखेंगे और टेबल डाटा TD, फिर इसको बंद करेंगे और इस टेबल डाटा में जो है टाइमिंग के नीचे और सॉरी मीटिंग के नीचे फिर लिखेंगे इवनिंग EVENING इवनिंग, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे और TD और इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर लेंगे नेक्स्ट TD टेबल डाटा दूसरा है, इवनिंग के बाद क्या हो जाएगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है तो अब हो जाएगा ट्यूजडे और TUE ट्यूजडे कॉमा THU थर्सडे कॉमा SAT सैटरडे, राइट सैटरडे हो गया। और फिर इस टेबल डाटा को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो लेंगे TD, फिर इसको बंद करेंगे। अब टाइमिंग है, क्या है टाइमिंग, तो 4 PM, तो यहाँ लिखेंगे 4 और स्पेस PM, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका हो गया। अब इसके बाद ये इस लाइन को भी इस रो को बंद करेंगे और यहाँ पे TR देंगे हम लोग, ठीक है, इसको बंद करिए। अब देखिए कि ऊपर में हमने क्या खोला था, बॉडी, ठीक है। तो इसको बॉडी को हम लोग बंद करेंगे BODY बॉडी, फिर हम लोग बंद करेंगे हेडिंग को HEAD हेड, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में HTML, यानी अब इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, HTML जैसे ही दे दिए ये प्रोग्राम जो है आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसको बंद करिए। अब क्या करना है कि इस प्रोग्राम को सेव करना है HTML एक्सटेंशन के साथ। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम का कुछ भी नाम देंगे, जैसे टेबल प्रोग्राम है तो TABLE टेबल, ठीक है, ये हमने दिया। अब इसके साथ एक्सटेंशन भी देना है .html, ओके। तो ये HTML बिना एक्सटेंशन का फाइल नेम सेव नहीं करना है, नहीं तो वो जनरल फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का फाइल बनाने के लिए फाइल के नेम के साथ हमें HTML .html एक्सटेंशन देना होता है, तभी वो HTML फाइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फाइल के नेम के साथ एक्सटेंशन नेम भी जोड़ेंगे .html, फिर इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब देखिए कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए है ना, टू व्यू द आउटपुट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है ना एज ए वेब पेज यू नीड ए वेब ब्राउजर, ओके, सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी एटसेट्रा, है ना। तो किसी ना कोई एक ब्राउजर आपके पास होना चाहिए जिससे आप इसके आउटपुट को, ये भी ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं सामने, इसको ये एक्चुअली ऐसा दिखेगा नहीं। जब इसको हम लोग वेब पेज पे देखेंगे तो इसका व्यू जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। तो इसका आउटपुट कैसा होगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस फाइल को हम लोगों ने सेव कर लिया है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसको देखने के लिए हम लोग एक ब्राउजर का मदद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फायरफॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, सॉरी ये वर्ड खुल गया, देखिए ये फायरफॉक्स खुला और ये जो है फायरफॉक्स है, ठीक है। इसके फाइल मेनू में हम लोग जाएंगे और
यहाँ पे है ओपन फाइल, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है फाइल नेम, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइल नेम जिस नाम के साथ सेव किया था वो नाम देंगे, जिस नाम से प्रोग्राम को सेव किए थे। तो प्रोग्राम को हम लोगों ने सेव किया था और TABLE टेबल .html, इसको खोलेंगे। अब देखिए, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है आपका वो रन कर गया है ना, देख रहे हैं ना, है कि नहीं। मीटिंग हम लोगों ने पहला हेडिंग क्या दिया था, TH लिया था, इसलिए कि ये टेबल हेडिंग है, हेडिंग को थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। उसके बाद इसमें TD लिए थे, यानी मॉर्निंग, है ना, मीटिंग का टाइम जो है मॉर्निंग, डेज हो गया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, टाइम जो हो गया आपका वो हो गया 9 AM, ठीक है। फिर मीटिंग में दूसरा रॉ जो लिया था हमने वो है इवनिंग का, और इसका डेज जो है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, फिर टाइमिंग 4 PM। तो ये आपका एक टेबल बन गया, राइट। अब देखिए कि इसी टेबल में अगर कोई कैप्शन डालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अगर कोई कैप्शन डालना हो तो कैप्शन क्या होता है, तो इट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ टेबल एंड शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल, राइट। तो जैसे ये मीटिंग कैलेंडर है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जैसे इसी प्रोग्राम में इसको सेव करके, सॉरी इसको क्लोज करिए, ठीक है। और फिर से उसी प्रोग्राम में हम लोग चलते हैं, और फाइल नेम क्या था, टेबल TABLE, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कैप्शन ऐड करना है। कैप्शन क्या होता है, तो टाइटल ऑफ टेबल, है ना, इट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ टेबल एंड शो अप शोज अप एट द टॉप ऑफ द टेबल, और यानी वो टेबल के और टॉप में दिखेगा। तो जैसे, और हम लोग कैप्शन कहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं और जो है माई वेब पेज लिखा हुआ है, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे और इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे कैप्शन, CAPTION कैप्शन, ओके। और कैप्शन को क्लोज करेंगे यहां पे, फिर लिखेंगे मीटिंग कैलेंडर, ठीक है, MEETING मीटिंग कैलेंडर, CALENDAR मीटिंग कैलेंडर। और फिर यहां पे कैप्शन को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ये दे देंगे CAPTION कैप्शन, इसको बंद करेंगे। और ये जो टाइटल है इसको हम लोग यहां से हटा करके कहाँ डालेंगे, लास्ट में जो TR है इसके बाद, ठीक है। और फिर इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है, सेव तो है ही, कंट्रोल एस कर लेंगे। फिर अब इसको यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं। अब इसको फिर से हम लोग उसमें ब्राउजर में जाके देखते हैं, फायरफॉक्स खोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर यहाँ आएंगे फाइल मेनू में, फिर ओपन फाइल करेंगे, फिर यहाँ से जो है टेबल टाइप करेंगे, टेबल डॉट HTML आएगा, सेलेक्ट करेंगे, खुल जाएगा। फाइल, ओपन फाइल,
table.tablee table.html। ये क्या हो गया, इस प्रोग्राम में कुछ एरर आ गया क्या? HTML head caption CAPTION। ओहो सॉरी, ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे टाइटल में हम लोगों ने टेबल में देना था तो टाइटल में दे दिए ये चीज, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये क्या करना था, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ देना था और गलत जगह लिखा गया था वो, ठीक है। और टाइटल तो यहाँ रहेगा ही, माई वेब पेज, ठीक है। और टाइटल को यहां पे हम लोग क्लोज करेंगे, TITLE टाइटल, ओके। और यहां जो हम लोगों ने लास्ट में लिया था वो टाइटल, इसको टेबल बनाएंगे, TABLE टेबल। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस से। अब देखेंगे मिस्टेक हो गया था, चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब हम लोग फिर फायरफॉक्स में आते हैं और यहाँ पे और फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करेंगे TABLE, नीचे दिख गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आ गया आपका हेडिंग, है ना। यहां देखिए कैप्शन आ गया ना, मीटिंग कैलेंडर, अब देख रहे हैं ना, ऐड हो गया। तो ये कैप्शन है टेबल का, यानी टेबल के बारे में बताता है कि जो स्पेसिफाई करता है टेबल को, और ये सबसे टॉप में, टेबल के टॉप में दिखता है, ओके। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट प्रोग्राम एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग जो है, जैसे टेबल के बीच बॉर्डर करना, लाइनिंग देना, उसको बैकग्राउंड को कलर करना एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें अगली क्लास में हम लोग फिर करेंगे, ओके। चलिए।